हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु डोडवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ यूपी पाठशाला पर। आज की क्लास में प्रोनाउन कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में प्रोनाउन के बारे में दो प्रकार पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के, पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन। आज तीसरा प्रकार पढ़ते हैं इसका हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर वे प्रोनाउन आते हैं जिनका प्रयोग उन सेंटेंस में किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज के बारे में, कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हो। ठीक है, कुल 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका माई सेल्फ, दूसरा आपका हिम सेल्फ, तीसरा आपका हर सेल्फ, चौथा आपका देम सेल्फ, पांचवा आपका आवर सेल्फ, छठा आपका योर सेल्फ, सातवा योर सेल्फ, ठीक है, आठवा आपका वन सेल्फ और नवा आपका इट सेल्फ। ये टोटल 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग हम करेंगे। ये तो हो गए कौन कौन से होते हैं, अब ये देखते हैं किन किन शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वे शब्द जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वे शब्द हैं, पहला हो गया आपका एक्विट, हुआ अवेल, अपील, एम्यूज, एवेंज, adapt, adjust, apply और exert हुआ, pride हुआ और exert, pride, apply, ये शब्द हुए आपके जिनके बाद आप reflexive pronoun का प्रयोग करेंगे। एक रिकॉन्सिल हुआ। ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं अगर किसी वाक्य में इनका प्रयोग किया गया है तो उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रिजाइने, ठीक है, ये शब्द देख लीजिए। अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं हम, देखे जाने अवेल का देखते हैं। यू शुड अवेल yourself to this opportunity, ठीक है, opportunity, ठीक है, समझ में आ गई। ये आपका अवेल, आपको बताया था ये शब्द अवेल के बाद आपका योर, यू का योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन yourself, इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अप्लाई का देखते हैं। अप्लाई का You should apply yourself to this task. ठीक है, जिस सेंटेंस में ये शब्द होंगे उनके बाद अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। एक्विट का ले लीजिए, they acquit themselves from the during the crisis. ठीक है, ये शब्द ऐसे हो गए जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब दो शब्द मैं ऐसे बताता हूं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है, वो है आपके एंजॉय और एब्सेंट। ठीक है, एंजॉय और एब्सेंट, ठीक है, ये देखिए, दे Enjoyed the party. एक सेंटेंस हुआ आपका ये, और दे enjoyed themselves. इस सेंटेंस में आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया है, इसमें आपने प्रयोग किया है। क्यों?
देखते हैं इसका रूल क्या है। जिस सेंटेंस में एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा उसमें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया वहां आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है इसलिए आप देमसेल्व का प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह इसमें देखते हैं दो सेंटेंस, ही वॉज एब्सेंट, ही एंड एब्सेंटेड हिमसेल्फ। हमने इस सेंटेंस में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया पर इस सेंटेंस में क्या है, क्यों? इसका रोल देखिए क्या है, अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब की तरह हो जैसे इस सेंटेंस में किया गया है तो आप एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब की तरह प्रयोग नहीं हुआ है तो आप उस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गए, अब देखते हैं कि किन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर में ही होता है। देखिए अब ये शब्द हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कीप हुआ, हाइड, रेस्ट, मूव हुआ, स्टॉप, टर्न। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे इसका यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। अब ये सेंटेंस आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है, जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। अब मैंने क्या बताया कि ये जो शब्द हैं आपके इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस में से इसको रिमूव कर देंगे, इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये है, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। हाइड ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ किया गया तो इसके बाद भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कि किस सेंटेंस किस वर्ड के बाद आप यूज करेंगे और किसके बाद नहीं करेंगे। अब एक रूल और है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जिस उसमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप किसी सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। देखिए जैसे माई सेल्फ एंड राम, माई सेल्फ सिंपली ले लीजिए, माई सेल्फ डू दिस वर्क, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया गया है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, आई, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है ना ही ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ये आपके हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल्स और कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं आपके, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, नन, ठीक है। ईच का प्रयोग मतलब किसी भी ग्रुप हो उसमें समूह प्रत्येक के लिए, इंडिविजुअल के लिए बात करते हैं ये हर एक के लिए बात। ईदर का प्रयोग करते हैं आप जब आपको दो में से चूज करना हो,
जैसे ईदर ऑफ द बॉयज, ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, यानी कि दो लड़कों में से कोई एक, ठीक है। नीदर का प्रयोग इसी प्रकार किया जाता है, नीदर ऑफ द टू बॉयज, जब दो व्यक्तियों की बात हो रही हो, दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही हो, तो आप ईदर और नीदर का प्रयोग करें, ठीक है। नन का प्रयोग, अगर दो के लिए तो हो गया आपका नाइदर, नन आपका दो से ज्यादा के लिए, नन ऑफ हिज, नन ऑफ द फोर बॉयज, अगर दो से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो आपका नन यूज होगा, ठीक है। ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं इसका अगला, आपका वो आएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग उन सेंटेंस में किया जाता है जहां म्यूचुअल रिलेशनशिप दर्शाई जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, एक होता है आपका ईच अदर, दूसरा वन अनदर, ठीक है। ईच अदर का प्रयोग आप उन सेंटेंस में करते हैं जिसमें केवल दो के बारे में बात की, दो के बारे में बात हो रही है, और दो से ज्यादा के लिए अगर आप प्रयोग करेंगे तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका सेंटेंस एग्जांपल से समझिए इसको, एग्जांपल, ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर, ठीक है। यहाँ घुटनों, इसका मतलब हुआ कि वो इतना डरा हुआ था कि इसके उसके घुटने एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो घुटने तो दो ही है, इसलिए आप यहाँ ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वन अनदर का एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बेड गुड बाय वन अनदर, ठीक है। ये ग्रुप की बात होगी क्लास के, तो उसमें आप प्रयोग करेंगे वन अनदर के लिए, दो के लिए प्रयोग करेंगे आप ईच अदर, दो से अगर ज्यादा है तो आप करेंगे वन अनदर का प्रयोग। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात हो गई, तो अगला प्रकार देखते हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में वे प्रोनाउन आते हैं जिनका प्रयोग किसी क्लॉज को किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए किया जाता है, वो आपके आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे हुआ हु, विच, व्हाट, दैट, व्हाई, ईटीसी, वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इसका देखिए कैसे, द बॉय हु केम हेयर इज ए प्लेयर, ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज है एक, और ये आपका एक नाउन दिया हुआ है, तो हु का प्रयोग किया गया है, तो इस क्लॉज को इस नाउन से जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब दैट का प्रयोग देखते हैं, दैट को किस किस केस में प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी दिए किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आपका ह्यूमन बीइंग है और दूसरा सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग थिंग या फिर या कोई एनिमल है, तो उसके उसे जोड़ उसे किसी अन्य क्लॉज से जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे रमेश एंड हिज डॉग That, ठीक है। यहां देखिए, अभी देखते हैं, that I saw have been kidnapped, तो ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, पहला आपका ह्यूमन बीइंग है,
दूसरा आपका एक एनिमल है, इन दोनों को जोड़ा है और इसे इस वाले क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, दैट का, ठीक है। रूल है आपका, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड से और उसमें पहला सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन बीइंग और दूसरा सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई एनिमल है, तो उसे दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। दैट के प्रयोग में रूल, पहला रूल हो गया आपका ये। दूसरा रूल है आपका, अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो उसको दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। रमेश ही ले लीजिए, रमेश इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन दैट, ठीक, दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, इसके बाद आप हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हु एरर इसको ऐसे दिया जाता है, हु दे देते हैं, हु का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आप प्रयोग करेंगे दैट का। ये हो गया रूल नंबर दो। रूल नंबर तीन देखते हैं इसका, अगर किसी सेंटेंस में ऑल का प्रयोग हुआ है और उस ऑल का मतलब सभी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हो तो उसके बाद आप दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए इसको, All that glitters is not gold, ठीक, आगे समझ में, यहां all आया, all के बाद ये, तो all that glitters, ठीक है, that का प्रयोग होगा यहां। ये रूल हो गया आपका एक। एक रूल और देखते हैं इसका, कुछ शब्दों के बाद हमेशा आप that का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए। वो शब्द हैं आपके जैसे Everybody, nobody, the only, same, much, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड ज्यादा एरर्स पूछी जाती हैं। The little, the few, नन, नो, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग किया गया है तो उसके बाद आप दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई हैव ओनली पेन दैट आई बॉट Yesterday, ठीक, यहां only का प्रयोग हुआ तो इसके बाद आप that का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका relative pronoun के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग demonstrative। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, देखिए दिस, दैट, दीज, दोज। किसी पास की वस्तुओं को, पास की वस्तु के बारे में बात करेंगे तो आप दिस का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर केस में दिस का, प्लूरल केस में दोस का, दीस का, और दूर की वस्तु के बारे में बात करेंगे दैट, और प्लूरल केस में दोस। ये दोनों आपके सिंगुलर के लिए प्रयोग होंगे और ये दोनों आपके प्लूरल, ठीक। देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज अ बॉय, That is a boy,
कुछ भी ले लो इन दिस गर्ल, ठीक। ये इसका मतलब है कि लड़का आपके पास में खड़ा है, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, ठीक है। सिंगुलर केस में दिस, प्लूरल केस में दोज, सिंगुलर केस में दैट, प्लूरल केस में दोज। ये हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव में दैट का प्रयोग और देख लेते हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं। दैट का प्रयोग अभी रिलेटिव में पढ़ा था, वो अलग तरह से प्रयोग होता है, इसमें अलग तरह से प्रयोग होता है दैट का। देखिए, अगर कि इस सेंटेंस में एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो उसके उससे बचने के लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। यहां पे हमने किसका प्रयोग किया है, दैट का। इस सेंटेंस का मतलब क्या कहने का, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का क्लाइमेट है वो बेटर है दिल्ली के क्लाइमेट से। यहां पर आपको एरर दिया जाता है ऐसे, द क्लाइमेट ऑफ, मतलब यही है कि इसकी जगह आप इसका इस्तेमाल करें तो अर्थ ये निकलेगा इसका, बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक। तो इसके प्रयोग से बचने के लिए आपने यहाँ दैट का प्रयोग किया है, ठीक है। अगला इसका पढ़ते हैं हम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में वे प्रोनाउन आते हैं जिनका प्रयोग आप कुछ जनरल मीनिंग की बात कहने के लिए करते हैं, या फिर जिस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्लियर ना हो उसमें आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीथिंग, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, समवन, समवन तो ये हो गया, एवरीथिंग, Each नहीं, every। तो इस ये शब्द जो हो गए आपके indefinite pronoun में हो गए, क्योंकि जिस वाक्य किसी किसी वाक्य में आपका subject clear नहीं होता है और general meaning की बात हो गई, everybody should obey his parents, ऐसे वाक्यों में आप indefinite pronoun का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका complete हो गया pronoun। तो आज की क्लास में हमने pronoun पढ़ लिया, खत्म हो गया pronoun। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे adjective के बारे में, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक। आप मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में एडजेक्टिव के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, यूपी पाठशाला। थैंक यू गाइस।